चले नमस्कार। जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी आज 2 फरवरी है और 2 फरवरी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के आज स्थापना दिवस है। तो चलिए नमस्कार, मैं अजय और आज को मैं आप लोगों को एक विशेष के बारे में बताऊंगा और आज को आप लोगों को एक वरिष्ठ यानी कि पदाधिकारियों से भी मिलाऊंगा और दिखाऊंगा कि आज के दिन यानी कि 44 वर्ष मोर्चा के और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि आज अपने स्थापना दिवस मनाएंगे, तो आप लोगों को एक लाइव दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार के यानी कि किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों लोग आएंगे। तो वो सारी चीज़ जब मैं दिखाऊंगा आप पूरे वीडियो को वॉच करना यानी कि वीडियो पे बने रहना। और आज मैंने कल की वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों की कल यानी कि आज झारखंड के नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद है यानी कि श्री हेमंत सोरेन जी आज उनके जो पार्टी है यानी कि आज 44 साल हो चुके हैं, तो क्या चीज़ डेवलप हुआ क्या नहीं हुआ है। और अभी जो युवा यानी कि हेमंत सोरेन माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और आज अपने पक्ष यानी कि अपने पक्ष विपक्ष के अनुसार वो सरकार से क्या मांग करती है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो वो किस प्रकार से स्कीम देते हैं वो भी मैं आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। बाकी अभी किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है और वो झामुमो के जितने भी अभी नेटवर्क यानी कि एक हिसाब से बोल सकते हैं यानी कि उनकी जो फैन फॉलोइंग यानी कि उसके पार्टी के कितने लोग आए हुए हैं वो मैं सारी चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा। तो आप वीडियो पे आप लोग बने रहो, बाकी मैं अभी दिखाता हूँ कि उनके कितने लोग अभी प्रेजेंट टाइम आने हैं। तो भाई साहब आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट के बस यहाँ पे लगी हुई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं धनबाद के हैं, हजारीबाग के हैं, जसीडी के हैं, कोडरमा के हैं, हर जगह जगह से बसें लगी हुई है और उनके पार्टी के लोग आए हुए हैं। आप देख पा रहे हैं अभी नाइट हो चुकी है, मैंने मोबाइल को स्किप किया था, तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार के लोग एक्साइटेड लेवल में कितनी ऊर्जा से लोग जा रहे हैं। और अभी बिल्कुल नाइट हो चुकी है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे कि हर मीलों दूर यानी कि 10 कदम दूरी पे यहाँ पे सिक्योरिटी के गार्ड अच्छी गार्ड सुविधा दी गई है, तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। और तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड है और हम लोग लाल बाबा द्वार पहुँचने ही वाले हैं कुछ देर के बाद, तो ये आप देख पा रहे हैं लाल बाबा द्वार। तो अभी लाल बाबा द्वार के बाद हम लोग को चाँद भैरव द्वार भी पहुँच चुके हैं, तो चले वीडियो पे बने रहो यार। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इनकी जो भीड़ की जो जनसंख्या लग रही है ये रिकॉर्ड तोड़ है। हर एक गली से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं हर एक गली से और हर एक कुछ मिलो दूरी पे ही सिक्योरिटी गार्ड दी गई है। ये एक अच्छी बात है, ये काबिलियत तारीफ है। आप देख पा रहे हैं कितनी ज़्यादा जनसंख्या के लोग हैं बट ज़्यादातर युवा वर्ग के लोग ही हैं। तो यार गाइस यार वीडियो शायद बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम वीर कुमार चौक पे है और आप देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से LED शो हो रही है यानी कि पर्दा पे दिखाए जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यार आप लोग से गुजारिश है आप ये वीडियो को पूरा देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको कल को मिल जाएगी, तो वीडियो पर मैं यहीं पर मैं स्किप करूँगा। बाकी के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।